के रखे हैं। यहोशु 20वें अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि वहाँ पे परमेश्वर पिता ने शरण नगर बनाने के लिए, शरण नगर ठहराने के लिए परमेश्वर पिता ने यहोशु को कमांडमेंट, यहोशु को आज्ञा परमेश्वर पिता ने दी कि तू इस प्रकार से 6 शरण नगर नियुक्त करना। आप यहोशु 20 अध्याय को आप आराम से पढ़ लीजिएगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 9 पद हैं और वो 9 पद पूरे शरण नगर के बारे में दिए हुए हैं। पर जब हम उन शरण नगरों के नाम को जब हम इब्रानी में देखते हैं, जब हम हिब्रू में देखते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ हर एक नाम का एक स्पेशल सिग्निफिकेंस होता है। तो हर एक नामों का जब जब अर्थ हमारे सामने आता है और जब हम उस हर एक अर्थ को जब हम एक साथ रखते हैं तो वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर मैसेज परमेश्वर पिता हमारे लिए छिपा करके रखे हैं। परमेश्वर पिता एक बहुत ही सुंदर मैसेज मेरे और आपसे, मेरे और आपको देना चाह रहे हैं, जो कि शरण नगर से संबंधित यहोशू 20वें अध्याय में दिया हुआ है। यहोशू 20 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि परमेश्वर पिता ने बोला कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धोखे से अनजाने में यदि किसी को मार दे, बिना गिल्टी इंटेंशन के या बिना यदि उसका मारने का इंटेंशन ना हो पर धोखे से उस व्यक्ति को वो मार दे, तो अपने नगर को छोड़ करके वो किसी एक शरण नगर में चला जाए और वहाँ जा करके वो रहे कि जो उसके फैमिली मेंबर्स, उसका फैमिली मेंबर्स जो है वो उसको मार करके उसका बदला ना ले। तो वहाँ पे परमेश्वर पिता ने सारी बातों को बोला और परमेश्वर पिता ने यहोशू को 6 शरण नगर ठहराने के लिए परमेश्वर पिता ने बोला। सबसे पहला जो शरण नगर परमेश्वर पिता ने बोला वो था गलील का केदेश, दूसरा है शेकेम, तीसरा है किरियतरबा जिसको हेब्रोन भी बोला जाता है, चौथा है बेसेर, पांचवा है रामोत और छठवा है गोलान। ये 6 शरण नगर परमेश्वर पिता ने ठहराने के लिए बोले। तो जब हम इन 6 शरण नगरों के नाम को जब हम इब्रानी में देखते हैं, इसका मैं अर्थ आपके साथ शेयर करते जाऊंगा, तो इसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज हमारे सामने बाहर आता है। सबसे पहले हम देखते हैं केदेश। केदेश एक इब्रानी शब्द से आया है। केदेश का इब्रानी में मतलब होता है पवित्र स्थान या अभ्यारण, होली प्लेस या सेंचुरी। केदेश जो शब्द है ये इब्रानी शब्द कदोश से आया है। कदोश का मतलब होता है होली प्लेस। जब आप परमेश्वर के मंदिर के बारे में स्टडी करेंगे और देखेंगे तो आपको मिलेगा परमेश्वर के मंदिर का जो पवित्र स्थान था, होली प्लेस, उसको इब्रानी में कदोश बोला जाता है। और जो पवित्र स्थान के बाद पर्दा रहता था, वेल, और पर्दे के बाद रहता था पवित्रों का पवित्र स्थान, होली ऑफ होलीज, जिसको इब्रानी में बोला जाता है कदोश, कदोशिम, होली ऑफ होलीज, जहाँ पे होली ऑफ होलीज में कदोश कदोशी में सीक्रेट प्लेस ऑफ द मोस्ट हाई है। और उसी प्रकार से पवित्र आत्मा को इब्रानी में बोला जाता है रूहा कोदेश। तो कोदेश या कदोश जो इब्रानी शब्द है उसका मतलब होता है होली प्लेस, और वहीं से शब्द आया है केदेश, जिसको परमेश्वर पिता ने शरण नगर ठहराने के लिए परमेश्वर ने बोला। तो केदेश का मतलब होता है पवित्र स्थान या अभ्यारण। उसके बाद जो दूसरा नाम हमारे पास आता है वो दूसरा नाम है शेकेम। शेकेम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है बाइबल में और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है बाइबल में, क्योंकि शेकेम वो प्लेस है जहाँ पे याकूब का कुआं है और उसी कुएं के पास यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय का जो सारा इवेंट है वो शेकेम में ही हुआ था। शेकेम में वो सामरी स्त्री पानी भर रही थी और वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह आए और प्रभु यीशु मसीह आ करके उस स्त्री को बोलते हैं, सामरी स्त्री को, कि मुझे पानी पिला। वो स्त्री बोलती, तू एक यहूदी होकर के मुझ सामरी से पानी मांगता है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और उसे जो तुझसे कहता है कि मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। ये सारे यूहन्ना 4 अध्याय का पूरा इवेंट शेकेम में हुआ। उसके साथ ही साथ यूसुफ जो था, जो कि इजिप्ट का सेकेंड इन कमांड था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजिप्ट था यूसुफ, यूसुफ की मृत्यु इजिप्ट में हुई थी, पर यूसुफ ने बोला कि मुझे मिट्टी मेरे होमलैंड में देना, तो उसको यूसुफ को शेकेम में मिट्टी दी गई और आज भी यूसुफ की कब्र शेकेम में ही है। तो शेकेम को जब हम इब्रानी में देखते हैं तो हिब्रू में शेकेम का मतलब होता है कंधा, शोल्डर्स, कंधा। और तीसरा नाम जो हमारे पास आता है वो है हेब्रोन, जिसको किरियतरबा भी बोला जाता है। हेब्रोन भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है, क्योंकि हेब्रोन में अब्राहम, सारा, याकूब और लिया, जिसको टुम्ब ऑफ पैट्रियार्च बोला जाता है, टुम्ब ऑफ पैट्रियार्च, ये हेब्रोन में ही है। तो हेब्रोन में अब्राहम, सारा, याकूब और लिया की कब्र है। और साथ ही साथ जब
कालेब ने अपने विश्वास को एक्सरसाइज किया, अपने फेथ को जब कालेब ने एक्सरसाइज किया, तब कालेब ने यहोशू को बोला कि ये पहाड़ी मुझे दे, और वो पहाड़ी हेब्रोन की पहाड़ी थी, ये पहाड़ी मुझे दे, नाउ गिव मी दिस माउंटेन। और कालेब ने हेब्रोन में से अनाक के तीन पुत्रों को, बाइबल बोलती है अनाक के तीन पुत्र वहाँ पर थे हेब्रोन में, इसी हेब्रोन में, तो यहाँ से तीनों पुत्रों को कालेब मार करके बाहर निकालता है। तो हेब्रोन का मतलब होता है इब्रानी में फेलोशिप और फ्रेंडशिप, मित्रता या दोस्ती। ये तीसरा शरण नगर परमेश्वर पिता ने ठहराने के लिए बोला। उसके बाद जो चौथा शरण नगर हमारे सामने आता है, वो चौथा शरण नगर है बेसेर। बेसेर का इब्रानी में मतलब होता है, हिब्रू मतलब होता है गढ़, रेफ्यूज, गढ़ जो कि छिपने के स्थान है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा कि वह मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। तो बेसेर का इब्रानी में मतलब होता है गढ़। उसके बाद हमारे पास आता है पांचवा नाम रामोत। रामोत का मतलब होता है ऊंचाई, इब्रानी में रामोत का मतलब होता है ऊंचाई या अत्यधिक ऊंचा करना। और उसके बाद जो आखिरी शरण स्थान परमेश्वर ने बोला वो था गोलान, छठवां शरण स्थान। गोलान का मतलब होता है खुश होना, जॉय एंड रिजॉयसिंग, आनंदित होना या अत्यधिक आनंदित होना। तो जब हम इन छह शरण नगर को और उनके अर्थ को जब हम एक साथ मिलाते हैं तो एक बहुत सुंदर मैसेज हमारे सामने आता है। सबसे पहले केदेश, केदेश के बाद आता है शिकेम, शिकेम के बाद आता है हेब्रोन, हेब्रोन के बाद आता है बेसेर, बेसेर के बाद आता है रामोत, रामोत के बाद गोलान। और जब हम इसके अर्थ को जब हम एक साथ रखते हैं तो वो जो मैसेज परमेश्वर पिता मेरे और आपके लिए छिपा करके रखे हैं, वो मैसेज ये है कि आप प्रभु यीशु मसीह के कंधों पर, शिकेम, आप प्रभु यीशु मसीह के कंधों पर पवित्र स्थान या अभ्यारण्य के देश आप प्राप्त कर सकते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह आपको मित्रता में हेब्रोन में प्रभु यीशु मसीह आपको प्रदान करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे गढ़ हैं बेसेर, और प्रभु यीशु मसीह हमको हमारे हरेक कष्टों से अत्यधिक आनंद के साथ प्रभु यीशु मसीह ऊंचा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारा गढ़ है बेसेर, और प्रभु यीशु मसीह हमको हमारे हरेक कष्टों से अत्यधिक आनंद के साथ गोलान, अत्यधिक आनंद के साथ ऊंचा करता है रामोत। तो ये एक ब्यूटीफुल मैसेज इन शरण नगरों में परमेश्वर पिता मेरे और आपके लिए छिपा करके रखे हैं। तो यदि आप किसी भी डार्क टाइम्स या परेशानी से आप होकर के गुजर रहे हैं, आप जान करके रखिए कि हमारे अच्छे चरवाहा प्रभु यीशु मसीह, आप अपने अच्छे चरवाहे के कंधों पर, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने खोई हुई भेड़ का दृष्टांत जब प्रभु यीशु मसीह ने बताया, एक्चुअली में प्रभु यीशु मसीह ने अपने हार्ट को, अपने मन को प्रभु यीशु मसीह ने रिवील किया। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम में से कौन ऐसा है जिसके पास 100 भेड़े हो, उसमें से एक खो जाए तो वह 99 को छोड़ करके उस एक के पीछे जाए। और ये वाली अगली वाली जो लाइन है ये मुझको बहुत अच्छी लगती है, जो प्रभु ने बोला, और तब तक उसे खोजे जब तक उसे ना पा जाए। प्रभु यीशु मसीह वो अच्छे चरवाहा हैं जो हर एक भेड़ों को तब तक खोजते हैं जब तक उसे ना पा जाए। और प्रभु यीशु मसीह की शेफर्डिंग में, प्रभु यीशु मसीह की चराई में एक भी भेड़ को हानि नहीं पहुँचेगी, एक भी भेड़ नहीं खोएगी, क्योंकि हमारे अच्छे चरवाहा एक भेड़ के लिए 99 को छोड़ते हैं। 99 को छोड़ने का मतलब इन द सेंस कि प्रभु यीशु मसीह उस एक के पीछे ही प्रभु यीशु मसीह जाते हैं और उसे खोज करके प्रभु यीशु मसीह वापस लाते हैं। और प्रभु ने बोला कि जब उसे मिल जाती है तो उसे अपने कंधों पर बैठा करके उसे आनंद करते हुए वो घर को वापस आता है। तो वही मैसेज परमेश्वर पिता यहोशू 20 में हमारे लिए रखे हैं कि आप यीशु मसीह के कंधों पर पवित्र स्थान या अभ्यारण आप प्राप्त कर सकते हैं, जो यीशु मसीह मित्रता में प्रभु यीशु मसीह हमको प्रदान करते हैं। यीशु मसीह हमारा गढ़ है, और यीशु मसीह हमको हमारे हरेक कष्टों से अत्यधिक आनंद के साथ प्रभु यीशु मसीह हमको ऊंचा करते हैं।